भूपेश सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। भाजपा ने भूपेश सरकार के कार्यकाल को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। भाजपा एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर भाजपा ने जमकर निशाना साधा। भाजपा ने कहा कि घोषणा पत्र में जो बातें उल्लेखनीय हैं, भूपेश सरकार उस पर खरा नहीं उतर पाई है। हमारी सरकार जब थी तब कर्ज से लेकर हम कार्य करते थे, लेकिन विकास की बात करते थे। छत्तीसगढ़ में बहुत पैसा है, लेकिन कर्ज लेकर सरकार को चलाना प्रचलन में आ गया है। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि भूपेश सरकार घड़ियाल आंसू बहा रही है। कांग्रेस सरकार के 3 सालों में सरकार ने विश्वासघात किया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का पैसा सोनिया गांधी के पास जा रहा है और ठगने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं। जहां कार्यवाही होनी चाहिए वहां आरोपियों को पनाह दी जा रही है। जो सुरक्षा में लगे पुलिस परिवार है उन्हें मारने का काम कर रही है। आज भी किसानों को नोटिस जा रही है और किसान उसे परेशान है। 2 साल के बोनस के किसान इंतजार कर रहे हैं कि आपका 2 साल का बोनस है का, जिस वादा को आपने किया। जनता को बदहाल करना और उनके निकम्मेपन, उनके नकारेपन के लिए जाना चाहिए। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने पिछले 3 वर्षों को अगर हमको समझना है तो इन 3 शब्दों से हम समझ सकते हैं। मैंने विश्वासघात भी कहा कि जो घोषणा पत्र उन्होंने लाया था पिछले 3 वर्षों में, उस घोषणा पत्र पर कोई काम नहीं किया। और ये कहते हैं छत्तीसगढ़ की भाषा में रोनू मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं।